यहाँ पे ट्रेडिशनल कुछ बिहू बिहू चल रहा है और हमारे कैन यू डांस फॉर अस प्लीज। 1976 में ये ब्रिज बना हुआ था। ये सारे कपल्स हैं, यहाँ पे कपल लोग आते हैं। ओके, सनसेट होने पे है जो कि काफी ब्यूटीफुल व्यू दे रहा है यहाँ से। सो गाइस, देयर इज ट्विस्ट, यू नो व्हाट। और ये लेफ्ट साइड में एक पार्क है जहाँ पे उसकी वीडियो मुझे बनानी है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, एक ब्रिज है जो कि काफी ट्रेडिशनल और काफी पुरानी ब्रिज है जिसको हम लोग शेयर करेंगे, उसका लोकेशन प्लस हिस्ट्री सब कुछ हम लोग बताने वाले हैं। और मुझे आसाम में गाड़ी चला के और मज़ा आ रहा है, सिंस मैं लेफ्ट राइट ड्राइव के चक्कर में पड़ रहता हूँ थोड़ा सा। एंड हम लोग उसका शेयर करेंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे और ब्यूटीफुल व्यू भी लोग शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलते हैं और आप क्या क्या हम इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं। कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम लोग दे पाए आप लोगों को। आमिर थोड़ा और भी व्यू आगे का आप शेयर करें प्लीज। ओके, सो ऑलमोस्ट हम लोग 3 किलोमीटर की जर्नी पूरा कर चुके हैं और मुझे और लगता है कि 10 to 12 किलोमीटर और है। सो हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को बता दें। हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ से 15 किलोमीटर तक है वो दोलंग, और बहुत ट्रेडिशनल है, बहुत अच्छा है। और हमारी जर्नी रहेगी वो बहुत ब्यूटीफुल रहेगी क्योंकि हम लोग आपके आप लोगों के साथ रोड की व्यू प्लस बोथ साइड रोड के दोनों साइड में जो व्यू है वो शेयर करेंगे कि कितना अच्छा है और कितना नेचुरल है। दोनों साइड आप देख सकते हैं कि ट्री है और ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है यहाँ पे। सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग एंटर कर चुके हैं रूरल एरिया में जहाँ पे विलेजेस हैं, काफ़ी अंदर हैं। हम लोग 7 to 8 किलोमीटर सिटी से अंदर आ चुके हैं जहाँ पे आप लोगों को गाय सब कुछ देखने को मिलेगा, गाय बछड़े मुर्गी सब कुछ, छोटे डॉगी और ट्रेडिशनल ड्रेस में औरतें भी देखने को मिलेंगी जो कि असामीज है प्रॉपर। ओके, और ये शॉप्स भी मिलेंगे आपको, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। इवन दो रूरल एरिया है लेकिन आपको फैसिलिटी के नाम पे सब कुछ मिलेंगे। ओके, आपको जो चाहिए वो मिलता है यहाँ की, यही एक ब्यूटी है कि आप कितना भी अंदर रहते हो सिटी से लेकिन सारे फैसिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ है। सारे फैसिलिटी है और फैसिलिटी का लुफ्त उठा सकते हैं। और ये जैसे आप देख सकते हैं कि जो ये रोड है ये मेरे ख्याल से 40 फीट है। इवन हम लोग अभी 10 किलोमीटर तक आ गए, अंदर काफ़ी अंदर है हम लोग सिटी से, लेकिन रोड वहाँ भी अच्छे है और आपके लिए अच्छे से आप जा सकते हैं। और ये एक बोर्ड है आसामीज में लिखा हुआ है जो दोलंग का लोकेशन बताता है, सो यू कैन कवर इट नाउ। और हम लोग यहाँ से थोड़ा जाएंगे स्लोली, हम लोग जस्ट अभी पहुँचने वाले हैं। पहुँचते ही हम लोग शेयर करेंगे चीज़ें आपके साथ। और ये हमारी फर्स्ट जर्नी है और फर्स्ट ब्लॉग भी है, सो गाइस प्लीज सपोर्ट अस। सो यहाँ पे ट्रेडिशनल कुछ बिहू बिहू चल रहा है और हमारे कैन यू डांस फॉर अस प्लीज, कम ऑन। या डांस करो, थोड़ा डांस करो, हम लोग यूट्यूबर्स हैं। शर्माने का नहीं, कम ऑन। ओ भाई कम ऑन, ग्रुप होते हैं वो लोग थे और इनको रिक्वेस्ट किया था, बच्चे लोग थे फिर भी अब अपना पूरा एफर्ट लगाए और थोड़ा डांस दिखाए उन लोगों ने। सो ऐसे चलते फिरते चीज़ें आपको दिखती रहेंगी मिलती रहेंगी जो कि काफ़ी इंटरटेनिंग है और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आई होप कि आप सबको भी मज़ा आ रहा होगा। सो लेट्स कंटिन्यू। के पास में आ चुके हैं और हम लोग
गाड़ी पार करने की, दोलंग बोले तो ब्रिज, थोड़ा कंफ्यूजन है, बट हम लोग गाड़ी पार करेंगे, कहाँ करेंगे वो देख रहे हैं हम लोग। सो विल पार्क हियर आई थिंक। सो हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और आप सब देख सकते हैं यहाँ पे हमारी गाड़ी यहाँ पे पार्क हो चुकी है और अभी हम लोग जाएंगे दोलंग के पास और चीजें शेयर करेंगे आपके साथ। ओके ओके, सो हम लोग अभी आपको बताएंगे कि ये इस ब्रिज के लेंथ कितने हैं और ये कब बना हुआ था और इसमें पोस्ट कितने हैं। सो कम फॉरवर्ड, मैं आपको दिखाएगा कि 1976 में ये ब्रिज बना हुआ था और जो इसकी लेंथ है वो 700 meters है और इसके जो पोस्ट है वो 11 पोस्ट है, सीमेंट पोस्ट जो कि रिवर के अंदर है और बाकी की चीज़ें हम लोग ऊपर जाके शेयर करेंगे। ब्रिज पे आ गए हैं और ब्रिज पे आने के बाद बेसिकली ये ब्रिज है जिसकी विड्थ मुझे लगता है कि 1.2 meters रहेगा और आप यहाँ देख सकते हैं कुछ कपल्स भी रहते हैं। ओके, लव पॉइंट भी बोलते हैं इसको। सो कम विद मी। ओके, सो राइट साइड में आप देखो कि पानी थोड़ा कम है क्योंकि सीजन नहीं है और लेफ्ट में थोड़ा उधर जूम करो देखो प्लीज़ वहाँ पे लाइक लव पॉइंट जैसे कुछ कपल्स लोग पिकनिक की तरह यूज कर रहे हैं उसको और हम लोग एक हाईलाइट है ये देखो ये यहाँ के जो लोकल्स हैं वो इसके उस ब्रिज में दूसरे साइड में ना विलेज है वहाँ से रोड भी है दूसरे साइड में लेकिन ईजी एक्सेस के लिए लोग इस पे इस ब्रिज पे दूसरे विलेज में जाने के जाते हैं वो लोग ताकि ये नज़दीक होता है बेसिकली। ओके, सो हम लोगों विलेज की तरफ भी जाके आप लोगों को दिखाएंगे। कम कंटिन्यू। और ये सारे कपल्स हैं यहाँ पे कपल लोग आते हैं। ओके, सो बेसिकली ये लव पॉइंट है। सो देख सकते हैं काफ़ी ट्रेंगल टाइप का व्यू बनता है इसको। मैं सेंटर में हूँ और इसका व्यू ऐसा, अभी यहाँ पे सनसेट होने वाला है। सो इसकी ब्यूटी भी आप देख सकते हैं कितना कमाल है सनसेट का ब्यूटी। मीनवाइल यहाँ से जो यहाँ के लोकल्स हैं वो भी आते जाते रहते हैं। हम लोग दूसरे एंड में जाएंगे और एक तरह से लोग टूरिज्म के तौर पे भी यूज करते हैं इसको। सिंस मैंने बताया था कि इसका जो लेंथ है वो 700 meters है तो हम लोग चल रहे हैं। ओके, यानी 0.7 kilometers। ओके, सो एज तक जाना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे लोग साइकिल भी चलाते हैं उसके ऊपर दूसरे विलेज में जाने के लिए। सो बहुत अच्छा एक्सेस है बट रिस्की भी है थोड़ा। अब रिवर ख़त्म हो जाता है लेकिन यहाँ पे जंगल है, आप देख सकते हैं खाली जगह है जहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है और ऊपर से काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। रिवर उस साइड है और यहाँ से आप हमारे राइट साइड में आप देख सकते हैं कि ये सनसेट होने पे है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू दे रहा है यहाँ से। हाय, इधर कौन सा गांव है पीछे? नाहोदिया। कितने घर होंगे, कुछ आइडिया है? 100, 200, 500? कितना, 500 से ज्यादा होंगे? एक ही विलेज है कि और भी विलेज है? और विलेज है। ओके ठीक है, आप लोग उस विलेज में रहते हैं? फैसिलिटी सब कुछ है उधर? कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, वेरी गुड। ओके, सो ये कुछ लोकल थे जो दूसरे साइड में विलेज में रहते हैं। सो मैंने उनसे पूछा कुछ बातें तो उन लोगों ने अच्छे से रिप्लाई किया। हिंदी कम आती है बट बहुत अच्छे बात करते हैं, आती है मत थोड़ी सी टूटी फूटी जैसी। ओके, रुको रुको, ये एक ही नदी है कि दो नदी है? क्योंकि उधर भी वहाँ पे पानी था और इधर भी थोड़ा पानी है, ये एक ही नदी है? एक ही नदी है। तो नदी के बीच में सिर्फ ये जंगल है, जंगल ये पानी नहीं है इधर? ओ, ओ, पानी, पानी आ जाता है। ये डिवाइड कहाँ से होता है, कितना दूर से? दो जगह, दो सामने से, वहाँ से नाम के देखने से मिल जाएगा, मिल जाएगा। बस इतना दूरी ये बीच में है, बाकी एक हो जाता है। ओके ओके, थैंक यू।
सो गाइस देयर इज ट्विस्ट, यू नो व्हाट, ये बीच में जो दिख रही है जंगल जिसको मैं कुछ देर पहले बताया था वो बेसिकली है नहीं, वो बीच में ये नदी के बीच में है और आप दूर जूम करूंगा ना तो दोनों साइड से जो नदी है वो जुड़ती है, ये देखो दोनों साइड से नदी जुड़ती है और लाइक लेफ्ट साइड में एक 500 मीटर और राइट साइड में एक 500 मीटर का बीच में कुछ भी नहीं है, जंगल है, ये नदी के बीच में है, ये सरप्राइज है यहाँ की कि ये नदी के बीच में है, लेफ्ट साइड में 500 मीटर दूर पे नदी डिवाइड होती है दो एरिया में, सो मेरे लिए भी सरप्राइज है, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ और मुझे यहाँ के लोकल से पूछने पड़ रहे हैं और काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेशन भी मिल रहे हैं विच इज़ वेरी गुड और दे आर वेरी कोऑपरेटिव ऑल्सो, सो सी यू कैन सी देयर, वहाँ पे सब लोग काफ़ी 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 ब्यूटीफुल है, लोकेशंस बहुत अच्छे हैं, फंटास्टिक सुपर व्यू, ओके सो सी ये मेरे लिए बहुत बहुत सरप्राइज है क्योंकि ये एक ही नदी दो एरिया में डिवाइड होती है और जब वो डिवाइड होती है तो पानी भी डिवाइड हो जाता है और बीच में एक जगह है जहाँ पे जाके आप घूम सकते हो, मैं जा सकता हूँ लेकिन मैं डरता हूँ तो मैं नहीं जाऊँगा, ओके इन फ्यूचर कभी आना हुआ तो ये शेयर करूँगा, बट इट्स गुड, वेरी गुड, इट्स वेरी वेरी गुड, ओके फाइनली ऑलमोस्ट हम लोग ब्रिज के एंड तक आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ फायर दिख रहा होगा, सो मैंने बिगिनिंग में बोला था कि हम लोग ये ऑयल इंडिया का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, यहाँ पे लार्जेस्ट ऑयल इंडिया कंपनी है दुनिया जान में, सो ये यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे जो वेस्ट ऑयल होते हैं ना वो उसको बर्न कर दिया जाता है, ओके सो ये बर्निंग चल रही है जो कि कंटिन्यू चलती रहेगी नॉन स्टॉप, कभी स्टॉप नहीं होता, चलता रहता क्योंकि जो वेस्ट ऑयल होते हैं उसको जला दिया जाता है, ओके सो ऑलमोस्ट हम लोग एज पे पहुंच चुके हैं, सिंस मैंने बताया था कि हम लोग एज पे जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये एज है और यहाँ से प्रॉपर यहाँ पे ये देखो थोड़ा रिस्की है मैं भी डर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे प्रॉपर एक डेवलप्ड एरिया है, यू कैन से देयर इज डेवलप्ड एरिया, ओके ऐसा नहीं है कि ये रिवर के उस पार है तो कुछ नहीं है, इट्स वेरी डेवलप्ड, यू कैन सी देयर इज गर्ल्स ऑल्सो वेयरिंग वाइट टी शर्ट्स, स्कूटी, देयर इज सम बोट्स, ट्राई टू कन्वर्ट इट, सो हम लोग तीन लोग हैं साथ में, मिस्टर आमिर जो मेरे छोटे भाई हैं और मेरे साथ हैं, अरे आओ यार शर्माओ नहीं, आ जाओ, हाँ ये हमारा यंगेस्ट सनी देवल, ओके सो ये यहाँ पे हम लोग हैं ब्रिज के एज पे और जैसा मैंने बताया कि डेवलप है, ऐसा नहीं कि ब्रिज के एज पे है तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी रोड है, अच्छी बिल्डिंग है, घर जो भी है, ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका है और ये लेफ्ट साइड में एक पार्क है जहाँ पे उसकी वीडियो मुझे बनानी है आप लोगों के लिए, सो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, यहाँ पे आइडिया ही नहीं होता है कि कितनी जल्दी सनसेट हो जाएगी, अभी धूप रहता है और फट करके यहाँ पे सनसेट हो जाता है, ये नीचे जाने का देखो इतना स्लोप है डर लगता है यार जाने के लिए, फाइनली हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे अपनी गाड़ी लगी हुई है और यहाँ से हम लोग लेफ्ट जाएंगे जो कि भाग के जाओ एक पार्क है यहाँ पे कुछ कपल्स है, सी यू कैन सी दी पार्क व्यू, ओके सी इट्स वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए पिकनिक के लिए आप लोग आ सकते हैं, कुछ खेलने के लिए है जिस पे मैं दोनों पे एंजॉय करना चाहूँगा, ये देखो रिवर के साइड में छोटे से वे है, देयर इज वे एंड देयर इज एक्चुअली व्यू इज गोइंग ऑन, यहाँ पे एक फेस्टिवल है जो कि दो दिन की तीन दिन की रहता है और यहाँ पे पब्लिक पिकनिक मना रही है बड़े पैमाने पर, एंजॉयमेंट चल रही है, सी
इतना अंदर है फिर भी इतना ब्यूटीफुल है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत ही नेचर इन्वॉल्व है यहाँ पे और नेचुरल है, देयर इज नो सिंगल थिंग विच इज आर्टिफिशियल, सब कुछ नेचुरल है, सब कुछ ब्यूटी है, ग्रीनरी, सी सनसेट थोड़ा बचा हुआ है, सो यू कैन सी नाउ यू कैन सी व्यू ऑफ द दोलंग, दोलंग मीन्स ब्रिज। सो ये नदी का नाम है पूरा गोब्रू दोलंग, और इसको दोलंग बोले तो ब्रिज, ब्रिज बोलते हैं उसको, सो लोकल भाषा में दोलंग। यू कैन सी द लार्ज व्यू, सो ये अभी सनसेट हो चुकी है और इसी के साथ हमारे वीडियो एंड होता है, और आप देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल का नाम है जर्नी विद सैफ, सो बी विद अस, थैंक यू सो मच, जय हिंद।